अभी हम लोग है गुवाहाटी के गलियों में एंड पता नहीं ये सामने कौन सी जगह है। रात को आए थे एंड होटल ये इसके नीचे ही है। बाइक पार्किंग अच्छे से मिल गया था। अभी निकलने वाले नेक्स्ट डेस्टिनेशन अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो इधर से 6 घंटे का रास्ता है, आज तो पहुंच ही जाएंगे। टाइम हो चुका है लगभग 12 बजे। तो लेट हुआ ना, उसके पीछे कारण भी है, हर बाइक में छोटा छोटा प्रॉब्लम तो है ही। तो और मेरे बाइक के साथ एक प्रॉब्लम हो गया है, ये एक्चुअली इसमें लिक्विड डाला हुआ है, तो इसको निकाल के ना जा सकता हूँ, देखता हूँ अगर हो जाता है तो सही है, नहीं तो रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट सब सही है, बस लोड शेडिंग हो गया शायद, वो सुमन दा है, सब पैकिंग चल रहा है। और ये सोमो का बाइक है और ये है अरिजीत। तो अभी टाइम हो चुका है 12 बजे, गुवाहाटी से निकल रहे हैं तवांग के लिए। आज तो अरुणाचल का जो बॉर्डर है वही तक जाएंगे, तेजपुर के आगे भालुंगपोंग, भालुंगपोंग से पास बनाएंगे उसके बाद आगे। एंड बाइक में थोड़ा बहुत हर एक का प्रॉब्लम है, अपाची में ज़्यादा है, उसका बल्ब वगैरह काम नहीं कर रहा है, इंडिकेटर बल्ब वगैरह ये सब। सिटी के अंदर चलाना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पैनियर्स के साथ। गुवाहाटी सिटी एंड आज है डे 3। ये देख तो पामटा कम लग जाए। टीवीएस का हाँ, गलती से इधर आ गए। अभी कहाँ कौन क्या जा रहा है पता नहीं। वो आगे सोमो के हाथ में मोबाइल है एंड वही मैप चला रहा है। अभी ये सिटी के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो अभी सिटी से निकलना है। अरे हमने अपन कोते जाती हाँ फाइनली गुवाहाटी से निकल रहे, आसाम को टाटा करने का टाइम आ गया है। अभी तेजपुर तक जाएंगे आज। बाइक में तो काम ही काम है, मेरे बाइक में भी बहुत सारा काम है। एंड ये सामने जो ब्रेक का जो बकेट होता है ना रबर का, वो लीकेज हो रहा है। फ्रंट ब्रेक कब काम करना बंद हो जाएगा पता नहीं, सब कुछ खरीद लिए, तभी देखते कहाँ पे टाइम मिलता है उसको कैसे ठीक करना है। कल रात को एंटर किए थे ना, तो उतने अच्छे से मतलब पूरा सब कुछ बंद था ना, तो देखा ही नहीं। सिटी तो बहुत अच्छा है, बहुत कंजेस्टेड है, ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। अभी कब खाली होगा, कब खाली रोड मिलेगा पता नहीं। पैनियर्स के साथ ना सिटी में चलाना, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सिटी से बाहर जाके बात करता हूँ, चलो। हम का सिटी जस्ट छोड़े, अभी से थोड़ा बहुत हिल एरिया स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी अच्छा तो लगता ही है। पूरा मैप लोकेशन देख देख के जा रहे हैं हम लोग। गूगल माता की जय हो।
तेजपुर जाने का ना दो रूट है, एक सिटी के अंदर से के साइड से एंड एक पहाड़ियों की तरफ से। तो मैंने बोला कि यही रास्ता चूज करो, बिकॉज दो दिन से चला रहा हूँ, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये रूट चूज किया। गुवाहाटी का रास्ता, ये कौन सा रास्ता है मुझे को नहीं पता, मगर जो भी रास्ता है काफ़ी अच्छा है बाइकर्स के लिए। गाड़ी हेवी हो गया है ना, मतलब लोडिंग काफ़ी अच्छा है मेरे गाड़ी पे, तो टैकल करना थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है। एंड मैं तो अभी इंजन ब्रेकिंग का अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। जो नाश्ता था वो तो कंप्लीट हो गया दोपहर को, एंड आज है डे 3। गुवाहाटी से तेजपुर का जो रास्ता है ना, अगर आप रात में एंटर करोगे तेजपुर तक, भैया गुवाहाटी तक, तो आपको पता कुछ नहीं लगेगा, दिन में इस रास्ते से जाना पड़ेगा, तभी आपको ऐसा व्यू मिलेगा। दो दिन आने के बाद ना कुछ अच्छा दिखने को मिल रहा है। मौसम तो बढ़िया है, अभी ठंड भी लग रहा है, और इधर पे ना रात को एसी रूम की भी जरूरत नहीं होता है, इतना मौसम अच्छा है। कौन सा तारीख है आज, है 3 मई 2022। प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है, तो अभी हम लोग तेजपुर से भालुमपोंग तक, तो क्या होगा ना, एकदम अरुणाचल बॉर्डर है, उधर से पास भी बनवा लेंगे कल सवेरे या आज जब भी टाइम मिले। उसके बाद कल तावांग के लिए निकलेंगे, मगर तावांग तो 200 कितना किलोमीटर है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उधर से देखना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, तभी तो स्टार्ट होगा। यह राइनोस का ऑल वेदर जैकेट है, गर्मी में तो लग जाता है, मगर इस सिचुएशन में ना चल जाता है, अभी भी इंटरलाइनर कुछ भी नहीं है। चलो अभी स्टार्ट हुआ, 80 नॉइज लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सटेंडर था ना, विंड एक्सटेंडर, वो अभी खोल के रखा है। व्यू अच्छा आने के लिए मैंने इसे खोल रखा है, बिकॉज आप लोग को भी, या ये वीडियो जब मैं भी बाद में देखूंगा ना, तो मुझे भी व्यू सही देखना चाहिए, नहीं तो मजा ही खराब हो जाएगा। 6 weeks later. गुवाहाटी से तो निकल गए थे, एंड उसके बाद हम लोग पहुँचे 4 बजे तक, सब कुछ सही था। उसके बाद क्या हुआ ना, बारिश आने लगा बीच बीच पे, तो हम लोग को थोड़ा बहुत, मेरे को तो इशू हो रहा है कैमरे को लेके, बिकॉज ये कैमरा माइक के साथ वाटरप्रूफ नहीं है। मेरा जो कुछ फुटेज है वो करप्ट हो गया, लास्ट वाला फुटेज जहाँ पर हम लोग भालुमपोंग पहुँच चुके हैं। तो भालुमपोंग पहुंचने से पहले बहुत सारा कुछ हुआ, अपाची में 2 बार प्रॉब्लम हुआ, एक बार बीच रास्ते पे पूरा कनेक्शन ऑफ हो गया, उसके बाद फिर हुआ था, तो ये 2 बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद हम लोग का हालात भी उतना सही नहीं था, जैसे तैसे हम लोग भालुमपोंग पहुंच गए। भालुमपोंग पहुंचने से पहले ना, जो बॉर्डर एरिया से 10 या 20 किलोमीटर पहले ऐसा जगह था, पूरा अंधेरा, हम लोग सिर्फ
चार बाइक जा रहे थे और कोई नहीं था। तभी टाइम होगा 8 बजे, तो 8 बजे के अंदर वहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। हम लोग तकरीबन 8:30 बजे उधर पहुँच गए थे एंड उधर जाके तो हम लोग के पास नहीं है। जो होटल था वो आसाम में नहीं था, वो अरुणाचल के बॉर्डर के अंडर था। तो हम लोग को गेट में रोका गया था, जो गेट में जो सिक्योरिटी था वो लोग बहुत अच्छे थे। वो लोग ही हम लोग को एक होटल सजेस्ट किए कि आप लोग यहाँ रह जाओ, कल सवेरे सबसे पहले पास बनाओ, उसके बाद आगे जाओ। भालुंगपोंग में हम लोग का उस दिन का स्टे था एंड ये वीडियो भालुंगपोंग तक ही है। तो ये वीडियो यही तक था, पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।